एनआरसी में है तो एनआरसी से प्राइम मिनिस्टर पीछे हट गए हैं, लेकिन उनका होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में उनका वक्तव्य है, प्रेसिडेंशियल स्पीच में उनका वक्तव्य है, तो इसलिए एनआरसी के रूप बदल कर एनपीआर करके जनता को फिर ठग रहे हैं, भरमा रहे हैं, इस पर भी झंझट बजेगा। तो आप लोग का विरोध जारी रहेगा? हाँ, विरोध जारी ना रहेगा तो इनको हटाने तक हमारा विरोध जारी है। अभी जो एनपीआर होगा तो उसके लिए किस तरीके से विरोध कीजिएगा? वो ही आप जनता के संग्राम के अलावे हमको क्या भरोसा है? जनता पर भरोसा है, जनता में जाएंगे, इनके खिलाफ प्रतिबाद करेंगे, सभा जुलूस आंदोलन, यही ना होगा। सुशील मोदी ने कहा कि जो राज्य सरकार है, जो लोग एनपीआर नहीं करवाएगा उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, जुर्माना देना पड़ेगा, जेल जाने की नौबत आ जाएगी। सुशील मोदी को संविधान पढ़ना चाहिए, उनको अभी सबका ज्ञान नहीं है। वो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के मध्य अधीन है क्या, ये जानते हैं? वो भी सॉवरेन गवर्नमेंट है, ये भी सॉवरेन गवर्नमेंट है, कुछ चीजों में दोनों का है, कुछ चीजों का स्टेट मालिक है, लैंड का, जमीन का, राज्य का, पानी का, ये सड़क का, ये सब के मालिक राज्य सरकार है। भारत सरकार कुछ कसमवर्ती सूची है, दोनों का मिलावट है, कोनो में केंद्र के सूची में है, कोनो स्टेट सूची में है। ये संविधान का जानकारी, प्रारंभिक जानकारी कर ले श्री सुशील मोदी, आए औकात में रहे। ये एनपीआर इनके हाथ में है क्या? इनका तो फाइनेंस विभाग है, फाइनेंस विभाग में है एनपीआर। आप लोग ट्विटर और पोस्टर के जरिए लड़ रहे हैं, लेकिन सभी कुछ के जरिए सभी मैदान में इनको हम जीत करेंगे। फिर तेजस्वी यादव गायब हो गए, पांच दिन से कोई ट्वीट नहीं आ रहा, जबकि रावी देवी ट्वीट आपको लगातार ट्वीट आ रहा है। ट्वीट स्वीट तंदुरुनी है, कोई ट्वीट लिखा कोई नहीं लिखा, और ट्वीट आया कि नहीं आया से आप कैसे कह सकते? ट्वीट आया हो, बहुत लोग को पसंद पड़ा तो निकाला, ना तो नहीं निकाला। हम ही तो बराबर ट्वीट करते हैं तो क्यों ना निकालता है, तो हम ट्वीटे छोड़ दिया। लड़ते हैं, लड़ने वाले हैं, कोई समझे ना समझे।